नंबर 86 चैप्टर लास्ट चल रहा है हमारा चैप्टर 12। पहले उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल कंसेप्ट हमने कुछ पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था कल हमने? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, उससे रिलेटेड आपको होम असाइनमेंट दी थी, 3 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। आपने से पहले कभी अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का लफ्ज सुना है? सिंगल एंट्री के क्वेश्चन नहीं किए आपने? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग सिंगल एंट्री टॉपिक निकाल दिया था। अच्छा ओके 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 ओके। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बैलेंस शीट का दूसरा नाम, इसका एक तीसरा नाम भी होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। शाबाश शाबाश, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। अब ये है स्टेटमेंट टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक है रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या दो कंसेप्ट क्या है पहले बताइए? ये आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब समझ आ गया? ये है बैलेंस शीट का दूसरा नाम, तो एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। मैं अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर हूं, दो कंसेप्ट है, एक लेफ्ट कंसेप्ट एक राइट कंसेप्ट। एक मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, और एक है रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर कंसेप्ट क्या बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब क्या है कि लिक्विडेटर किसी को रिपोर्ट दे रहा है। गैस कीजिए कि लिक्विडेटर को कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो? स्टेटमेंट। शाबाश, मैनेजमेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह वगैरह वगैरह। क्या और रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर्स का लिक्विडेटर किसी को रिपोर्ट, किसको? ऑफिशियल कोर्ट को दे रहा है वो। शाबाश। अच्छा बताइए ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम बेसिकली आपके ख्याल में क्या होगा? वो इन्फॉर्मेशन एक हाथ दे, इस हाथ दे, ले उस हाथ दे, ऐसे होगा? कोई चेकिंग शेकिंग करता होगा? चेकिंग शेकिंग करने में कोई उस इन्फॉर्मेशन में जो उसे मिली है थोड़ा बहुत चेंज तो आ सकता है? ऐसा तो नहीं है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन ही कोई और हो और वो उस इन्फॉर्मेशन की वजह कोई और इन्फॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं होगा? इसलिए याद रखे दो कंसेप्ट हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 का टाइटल पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू को अंडरलाइन कर लें, यानी इसका मतलब है कोई मैनेजमेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह वगैरह वगैरह, ये लिक्विडेटर को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फिर लिक्विडेटर उस इंफॉर्मेशन को चेक करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करा रहा है। जब आप ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर आपने इनको एक ही लेक्चर में क्यों नहीं कवर करवा दिया, ये तो एक ही जैसी चीज है। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट है ना, बैलेंस शीट है, वही ऐसा डर आ रहे होंगे, वही थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है कभी भी चेकिंग के दौरान में, कोई ऊंच नीच आ गई, कोई चीजें उसने कहा ज्यादा है, कम कर दो, कम है, ज्यादा कर दो, ये मिल गया था, नहीं करना था, नहीं किया, ये करा थोड़ा बहुत, लेकिन मोर देन 80% चीजें तो वही होंगी ना। इसीलिए जब आप देखेंगे ना, दो क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन शामिल होगी और दूसरा क्वेश्चन क्या है रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर में क्या क्या चीजें शामिल होगी, आप देखेंगे दोनों में 80% से ज्यादा चीजें सेम है। क्यों से भाई? वही इन्फॉर्मेशन आगे भेज रहा है, फर्क सिर्फ यह है कि उसकी चेकिंग करके कांड छांट कर दी उसने, चेकिंग करके जहां जरूरी था कांड छांट करके कोर्ट को जमा करवा दिया। तो इसलिए हालांकि दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ही लेक्चर में कवर हो सकते हैं, लेकिन नहीं करने, इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके क्या करेंगे? हमें तो रिवीजन भी करनी है। इतना हमें प्रेशर होता तो लेक्चर एक घंटे का रोज ना कर रहे होते हम, 40-45 मिनट का क्यों कर रहे हैं? शुरू शुरू में था, अब नहीं है, अब इजी, ताकि आप रिवीजन भी करते रहे। रिवीजन कर रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, दो दफा रिवीजन करके आपको घर भेजना है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके क्लासेस खत्म, सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ क्लासेस, नहीं ऐसे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, रिवीजन भी भाई करवाएगा आपको। अब भाई खुद से रिवीजन करना चाहते हैं कि भाई की छत्र छाया में? भाई की छत्र छाया। दो दफा टाइम्स आया ना घर वापिस आए। अब अच्छा, ये मैंने आपको दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्क बता दिया, इसको नोट कीजिएगा ताकि कल जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ें तो आपको यूं लगे ये तो सारा पढ़ लिया हुआ हमने।
बल्कि हो सके ना तो पढ़ा आज एक ही रहा हूं, और रिपोर्ट वाला भी घर से पढ़ाइएगा क्या है। फिर अगर जल्दी चाहते हैं ना जल्दी 10 मिनट जल्दी लेक्चर सेशन खत्म हो जाए तो फिर घर से पढ़ के आना। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, लिक्विडेटर। अच्छा सर मुझे बताइए, समराइज कीजिए जल्दी, कल के कंसर्न में भूल गया हूँ, भूल गया हमें कल क्या पढ़ा था हमने। अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर में क्या अपॉइंटमेंट किसने करनी है? कोर्ट ने। कहाँ से करनी है? पैनल जो मेंटेन कौन कर रहा होगा? कमीशन। उस पैनल में कौन खुशनसीब लोगों के नाम होंगे जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज में? लॉ, फाइनेंस और अकाउंटिंग में, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 10 साल का, ठीक है। अच्छा कमीशन रिमूव भी कर सकता है, कमीशन किस वजह से रिमूव कर? इनकॉम्पिटेंट था, काम सही नहीं किया। अच्छा अपॉइंट होने, अच्छा क्या पैनल की लिस्ट के अलावा किसी को अपॉइंट कर सकते हैं? अच्छा अगर अगर किसी एक क्रेडिटर को टोटल लायबिलिटी का 60% पेबल हो उसके कहने पे, टोटल लायबिलिटी नहीं शाबा, इश्यूड शेयर कैपिटल का 60% या उससे ज्यादा हो, और ये आपको पता है लॉ का रूल कि जब वो परसेंटेज बताता है ना तो इंडिविजुअल के पास अगर 60% या उससे तो वो, और अगर एग्रीगेट हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद उस ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या करने हैं? उसने एक एक कोई डिक्लेरेशन देनी होती है कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो बताना है विद इन 7 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, यस। हाँ और अगर दरमियान में भी कहीं ये मसला आया तो वो भी बताएगा, स्टार्ट में भी डिक्लेरेशन देगा वो तो लाजमी है, स्टार्ट वाली तो लाजमी है, बाद में अगर कोई मसला आता है तो वो भी बताएगा, ठीक है। अच्छा क्या कोई लिक्विडेटर पॉइंट हो जाए रिजाइन करना चाहे? कर सकता है क्यों? डायरेक्टर रिजाइन कर सकता था, चीफ एग्जीक्यूटिव रिजाइन कर सकता है, डायरेक्टर भी कर सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्यों नहीं कर सकता? इसको कोर्ट ने पॉइंट किया है ऑफिशियल लिक्विडेटर रिजाइन, हाँ अनलेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी, पर्सनल रीजन नहीं कहा, डिसेबिलिटी का है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? हाथ का नहीं, हाथ टांग आंखें याददाश्त चली जाए, बिल्कुल। लेकिन इस सूरत में भी कोर्ट की तरफ से, कोर्ट से उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, और जब तक सक्सेसर पॉइंट नहीं होता वो कंटिन्यू करेगा, यही कंसर्न है। आगे चलते हैं, इतनी क्या जल्दी है। कह रहे क्वेश्चन 6, यासिर वाज अपॉइंटेड प्रोविजनल, अच्छा ये प्रोविजनल मैनेजर क्या होता है ये तो? अगर अभी अभी तो केस चल रहा है, फौरन ही फर्ज कीजिए, इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी, अदालत के सामने पिटीशन आई, अदालत ने कहा उनको काम करने दो, हम इधर अपना जाते हैं, डायरेक्टर्स उधर काम करने दो, अभी सही काम चल रहा है जाहिर, अभी ऑर्डर देखते हैं, फैसला होगा तो वाइंडिंग अप ऑर्डर फिर डिसाइड करेंगे, इस सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कोर्ट ये सोच सकती है कि नहीं ये जब तक वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग चल रही है ना कहीं ये डायरेक्टर सब कुछ बेच बाज के निकलना चाहे, तो इस सूरत में हालांकि अभी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं किया, अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं हुआ तो कंपनी के मामलात कोर्ट ने अपने हाथ में लेने हैं, वो प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, और अगर वाइंडिंग का ऑर्डर पास हो जाए तो कह रहा है कि यासिर वाज अपॉइंटेड एज प्रोविजनल मैनेजर टिल द वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर आर अदरवाइज ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड डिसाइडेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं करते, केस चल रहा है, तुम जाके डायरेक्टर को आप लोग घर जाए, यासिर भाई अब कंपनी को संभाल रहे हैं। कोर्ट डिड नॉट मेंशन एनी रिस्ट्रिक्शन आर लिमिटेशन ऑन हिज पावर इन द ऑर्डर, उन्होंने उसकी उसकी पावर को नहीं बताई, तो क्या पावर होगी? सेम पावर्स होंगी जो के ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास होती है, तो उसे क्या लिखनी है? अनलेस वाली बात ही लिखनी, क्योंकि उसने जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया कि उसकी पावर स्ट्रिक्ट नहीं की। 7, क्रेडिटर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फाइल्ड ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, क्रेडिटर कर सकते हैं पिटीशन फाइल? एक मिनट, क्रेडिटर फाइल कर सकते हैं, इसका 60% से क्या ताल्लुक है बता? एक मिनट, मेरा सवाल क्या भला, क्या क्रेडिटर पिटीशन फॉर फाइंडिंग अप फाइल कर सकते हैं? आप इसका जवाब दे रहे हैं किस कंडीशन में? अभी भी सही नहीं पहुंचा। प्राइमा फेशिया एविडेंस सिक्योरिटी, वो जो 60% वाली बात है ना वो पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप के लिए नहीं है,
वो तो पैनल के अलावा लिक्विडेटर अपॉइंट करना वो बात है, मैं कुछ और पूछ रहा था और जो मैं पूछ रहा था आपने वो नहीं बताया। ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दे रिक्वेस्टेड जमीर टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर बट हिज नेम इज नॉट ऑन द पैनल ऑफ प्रोविजनल मैनेजर एंड लिक्विडेटर्स मेंटेन्ड बाय कमीशन। उन्होंने कहा सर जमीर भाई है अच्छा अच्छा बंदा अच्छा बंदा है तो इसको अपॉइंट कर दे। उन्होंने कहा इसका पैनल में है ही नहीं, कर सकते हैं गॉड कैन ए पर्सन बी अपॉइंटेड ऑफिशियल लिक्विडेटर हिज नेम इज नॉट इनक्लूडेड इन द पैनल ऑफ कमीशन, कर सकते हैं। शर्त क्या है? अगर क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पेबल है 60% ऑफ किसका शेयर कैपिटल, नहीं इश्यूड शेयर कैपिटल, शाबाश शेयर कैपिटल में और इश्यूड शेयर कैपिटल में फर्क है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 7 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 8 की तरफ आ जाए। जाहिद वाज अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ मल्टी सोर्स लिमिटेड, ठीक है ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट हो गया भाई, हो गया। फिर जाहिद वांट्स टू रिजाइन एज द लिक्विडेटर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना मुश्किल काम ये तो मेरे से ना हो पाएगा, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, मुझे घर जाना है, मैं रिजाइन करता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठहर जाओ। He discussed the matter with some of the directors who assured him that his request would be considered in their meeting to be held soon. Director अपनी कहानी फिट कर रहे हैं, ठीक है। Comment on the issue in the light of जब ये परवेज मुशर्रफ साहब ने जो मार्शल लॉ लगाया उस वक्त सदर कौन था भला? ममनून हुसैन साहब नहीं थे, उनसे पहले थे, दाढ़ी वाले थे वे, क्या गुलाम साथ नहीं, नहीं नहीं बहरहाल नहीं, वो शरीफ आदमी थे कोई, बहरहाल वैसे तो परवेज मुशर्रफ साहब माशाल्लाह शरीफ आदमी थे। हाँ जी सर, तो ना 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 सियासी बातें ना करें, तो सियासी बातें करना मना है, किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, किसी को भी, किसी को भी। रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए तो कह रहा हूँ ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच जाए, किसी को भी अपने अपने मुहालिफ को भी बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए। हाँ तो वो एक दिन ये कहने लगे माशाल्लाह के मेरा 7-8 साल बाद कि मैं अभी भी आईनी तौर पे मैं ही सदर हूँ पाकिस्तान का, आईनी तौर पे मैं ही। तो डायरेक्टर्स हालांकि घर भेज दिया, ऑफिशियल लिमिटेड अपॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टर्स फारग है, वो घर बैठे हैं, वो डिसॉल्व हो गए, नेशनल असेंबली डिसॉल्व खत्म है, और डायरेक्टर कहें आईनी तौर पे अबे हम ही डायरेक्टर ठहर जाएंगे, कोर्ट का ऑर्डर है। डायरेक्टर के पास जीरो पर कोई पावर नहीं है, घर बैठे हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें कभी ऑफिस बुला लिया जाए कंपनी के अंदर तो बुला लिया जाए, कोई पूछना हो इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो बुला लिया जाए, तो वरना उनके पास कोई पावर नहीं रहती। ये बिला वजह कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमारी अगली मीटिंग होगी ही तो फिर इसको कंसीडर करें। कमेंट ऑन इश्यू इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या कर रहे हैं? पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर के पास तो अथॉरिटी नहीं है लिक्विडेटर को पॉइंट रिमूव करने की या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने की, ये तो अथॉरिटी है कोर्ट की, पहली चीज ये। दूसरी चीज कोर्ट भी इसको पर्सनल ये इन रीजंस की वजह रिजाइन नहीं कर सकता, कोर्ट के केस में भी ये रिजाइन अनलेस कोई पर्सनल डिसेबिलिटी हो, और यहां पे चूंकि उसने पर्सनल डिफिकल्टी कहा है, डिसेबिलिटी नहीं कहा, इसलिए इस सिचुएशन में रिजाइन नहीं कर सकता जी। कॉम्पिटेंस की बात नहीं, देखिए कॉम्पिटेंस की बात है पैनल में नाम रिमूव करते हुए, इसको लिक्विडेटर पॉइंट हो गया उसके बाद रिमूव करने के लिए कॉम्पिटेंस की बात नहीं है, अब तो इसको करना ही पड़ेगा, जो काम अपने जिम्मे लिया है मुकम्मल करना ही पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी में है तो यहां में कहां कह रहे कॉम्पिटेंट नहीं, वो कह रहे मुश्किल है। हाँ नहीं, वो अगर क्वेश्चन में डिस्कस कर दे कि बाद में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिससे वो डिस्क्वालिफाई हो रहा है तो फिर कर सकते हैं, वो रिजाइन नहीं कर सकता। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, रिजाइन हो रहा है, रिजाइन नहीं कर सकता, करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ किसी ट्रक वाले को कहे भाई मेरे पे ट्रक चढ़ा दे टांगे टूट जाए उसके बाद फिर अप्लाई कर सकता है, पर्सनल डिसेबिलिटी वरना नहीं। क्लियर जी? चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट
कंसेप्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को अंडरलाइन करके इसके साथ लिख लें बैलेंस शीट ताकि ज़हन में, और टू को अंडरलाइन करें खास और बल्कि टू के इर्द गिर्द डब्बा बना लें ताकि पता चल जाए ये टू है बाय नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहला कंसेप्ट, हु शैल वेरीफाई एंड सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर को किसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करवानी है। डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शैल वेरीफाई एंड सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन प्रेस टाइप फॉर्म टू प्रोविजनल मैनेजर आर ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा किसने जमा करवानी है, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी सीएफओ ने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, अगर ऑफिशियली अगर तो प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट हुआ तो उसको, और अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर ही इमीडिएटली पास हो गया था ऑफिशियल लिक्विडेटर को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब अगला सवाल जहन में आ रहा है क्या भला इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा क्या होगा, इसमें जाहिर है कंपनी के बारे में मामला होंगे कुछ, आप गैस कीजिए आपके ख्याल में क्या होगा, लाइबिलिटीज वगैरह कोई रिसीवेबल वगैरह लिटिगेशन वगैरह सारे एसेट्स हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। अच्छा फिर लॉ ये हमें बता रहा है व्हेन शैल स्टेटमेंट बी सबमिटेड, स्टेटमेंट कब सबमिट करवाई जाएगी, विद इन 15 डेज फ्रॉम रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट बड़ा कमाल का कंसेप्ट है, रेलिवेंट डेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैनेजमेंट ने, मैं कलेक्टिवली इनके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैनेजमेंट किसके लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी के लिए, मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करवानी है प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को विद इन 15 डेज ऑफ रेलिवेंट डेट, ठीक है जी। अच्छा रेलिवेंट डेट से क्या मुराद है, रेलिवेंट डेट मींस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट हुआ है, और अगर प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट ही नहीं हुआ तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, यानी उसने ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के साथ इसको लिंक नहीं किया। हाँ अगर इस अगर सीओ सीएफओ कहें सर हमें ये इंफॉर्मेशन लिस्ट लंबी है हमें मजीद टाइम दीजिए, हमें मजीद टाइम दीजिए, तो क्या मजीद टाइम दिया जा सकता है, बिल्कुल, कौन एक्सटेंड करेगा, कोर्ट, या ठीक है कोर्ट, हाँ प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर आर कोर्ट, क्योंकि देखे असल में दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, इसके लिए कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया जो एक्सटेंड हो सकता है। अब जाहिर है मैंने आगे कोर्ट को जमा करवाने हैं स्टेटमेंट चेक करके, तो मैं देखूंगा क्या मेरे पास दिन ज्यादा हैं, है, जैसे हो सकता है अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है कोर्ट ने मुझे 60 दिन दिए हो, कोर्ट ने कहा हो कि भाई मैंने कोर्ट को रिपोर्ट देनी है 60 दिन में, अब मैंने मैनेजमेंट से क्या कहूंगा मेरे को 15 दिन के अंदर तुम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो, मैनेजमेंट के सर 15 दिन कम है ओवर टाइम दीजिए, तो 20-25-30 कर दें। अच्छा क्या मैं खुद एक्सटेंड कर सकता हूं, अगर मैं समझता हूं कि मैं 10-15 दिन के अंदर अंदर काम कर लूंगा तो मेरे पास टोटल कोर्ट की तरफ से 60 दिन है, मैं अगर 45 दिन उनको दे भी दूं ना तो मेरे पास 15 दिन है मैं काम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं समझता हूं नहीं अगर मैंने इनको टाइम ज्यादा दिया तो मैंने कोर्ट को आगे 60 दिन में, अगर मैंने 60 फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्यादा टाइम को दे दिया 45 दिन को दे दिया, मुझे खुद भी 45 दिन चाहिए तो मैं तो इनको टाइम देता तो फिर मैं इसको पकड़ूंगा मैनेजमेंट को, खुद भी हम दोनों कोर्ट के पास जाएंगे फिर कोर्ट एक्सटेंड करेगा। यानी कुछ केसेस में ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर ही एक्सटेंड कर देगा अगर 2-4 दिन की बात हुई तो, लेकिन अगर ज्यादा बात हुई क्योंकि आगे हमने भी तो रिपोर्ट जमा करवानी है तो फिर कोर्ट ही एक्सटेंशन देगा, क्लियर, तो हमारी रिपोर्टिंग भी एक्सटेंड हो जाएगी, क्लियर। तो हमें जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी ने देनी है ऑफिशियल लिक्विडेटर को प्रोविजनल मैनेजर को कितने अरसे में देनी है, विद इन 15 डेज फ्रॉम रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट क्या है, अगला सवाल ये, शाबाश वेरी गुड क्वेश्चन, रेलिवेंट डेट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं की डायरेक्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट लिया तो फिर डेट ऑफ वाइंडिंग ऑर्डर के 15 दिन के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवानी है किसने, मैंने किसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है,
कब तक? अप टू 40, यानी 15 में 30 दिन मजीद ऐड हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है इनमें, ठीक है। कभी तो इनकी एक्सटेंशन चंद एक दिनों की होगी तो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर खुद ही कर देगा, अगर ज्यादा दिनों की होगी तो एक्सटेंशन में उसने प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी कहा है, वो भी एक्सटेंड कर सकता है, कोर्ट को भी। रीजन समझ आ गई दोनों की? आगे चलते हैं। व्हाट पर्टिकुलर स्टेटमेंट शैल कंटेन, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है इंट्रो या FAR 1, वो तो इसको पढ़ते ही समझते जाएंगे। इंट्रो एग्जाम्पल FAR 1 पढ़ी है तो फिर इसको समझते जाएंगे। जहां भी आपको लगे कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी हुई पहले अकाउंटिंग में, वो आप बता दीजिएगा। सबसे पहला, पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या आएगा? क्या ये आपने पहले पढ़ा हुआ है? टिक लगा लें इसको कि समझ आ गई। बट वैसे तो बात तक यही भी खत्म हो जाती है। क्या कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये लिखा जाए। हालांकि ये भी एसेट ही है जब ऊपर पर्टिकुलर एसेट लाइबिलिटी का, पर आपको पता है लॉ वो कोई खाना खाली छोड़, वो कहता है डबल काम हो जाए तो हो जाए, कोई कोई खाना रह ना जाए, ठीक है। तो वो काम पक्का करता है लॉ ताकि कोई लूप होल ना, क्योंकि बाद में लोग ढूंढते हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकला है जिससे हम बच सके। भाई ये सुना हुआ आपने अकाउंटिंग में तो कितना कैश है इन, अच्छा इसका कंसेप्ट बाहर आ सा, मेन कंसेप्ट क्या है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को पता चले। इस लिस्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम एसेट्स की डिटेल बना लें, लाइबिलिटीज की डिटेल बना लें, हमें पता चल जाए क्या सफिशियंट एसेट्स हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। अगर सफिशियंट एसेट्स नहीं है तो फिर कितने परसेंट लाइबिलिटीज को पे किया जा सकता है, ठीक है। इस लिस्ट का बेसिक पर्पस ये है। तो उसमें देखेंगे आपको मोर देन 80% जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आती है ना, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल ही होती है। फिर कह रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ क्रेडिटर शोइंग सेपरेटली सिक्योर डेट विथ और अनसिक्योर डेट। भाई ये क्यों सिर्फ सिंपल क्रेडिटर के लिए क्यों नहीं ले ली सिक्योर डेट? हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग में तो आप पढ़ते होंगे ना कि 80% एसेट रिकवर हुए हैं सारे क्रेडिटर्स में 80% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस में कुछ क्रेडिटर ऐसे होते हैं उन्हें 100% पेमेंट मिल जाती है, कुछ को 1 रुपया भी नहीं मिलता, डिपेंड कर। हाँ जी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, प्रैक्टिस में प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे, बाद में पैसे बचे तो अनसिक्योर्ड की तरफ आएंगे। इसीलिए वो क्रेडिटर के साथ लिस्ट मांग रहा है सिक्योर्ड के कितने हैं अनसिक्योर्ड कितने हैं और सिक्योरिटी क्या दी है, ताकि अगर कोई सिक्योरिटी किसी क्रेडिटर के पास है ना तो वो भी हमें पता चले। ये ना हो ऊपर एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो कंपनी के अंदर एसेट्स मौजूद है वो तो लिख दिए, जो सिक्योरिटी के तौर पर किसी के पास रखवाए हैं जैसे बैंक वगैरह वो लिखे नहीं तो लिखना। अच्छा जरा सोचिए बताइए इस क्रेडिटर में बैंक्स आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या बैंक्स क्रेडिटर में शामिल होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर में शामिल हो, बैंक से लोन लिया हुआ क्रेडिटर में शामिल होगा? यस yes, होगा बिल्कुल, लॉ में होता है, अकाउंटिंग में नहीं होता। अकाउंटिंग में बैंक लोन अलग शो करवाते हैं, क्रेडिटर्स को अलग शो, लेकिन लॉ में लफ्ज क्रेडिटर इंक्लूड्स एवरी लाइबिलिटी जो किसी भी पर्सन को बस। इफ एनी प्रॉपर्टी सॉरी रिसीवेबल लाइकली टू बी रियलाइज अलॉन्ग विद नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डेटर्स, डेटर्स कौन कौन से उनका नाम पता था कि उनके घर जाके पैसे लिए जा सके। सिर्फ डेटर्स का टोटल पता होना चाहिए, उनका नाम भी पता। अच्छा क्रेडिटर्स का उसने नाम ऑक्यूपेशन नहीं पूछा, क्रेडिटर खुद ही आके हमसे पैसे मांगेंगे, ऐसे ही होता है ना। जिसने पैसे लेने हो ना वो दूसरे के, जिसने देने हो वो अपने घर में मौजूद हो के भी कहता है घर में नहीं है। तो इसीलिए क्रेडिटर की एड्रेस लेने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हमें ढूंढ लेंगे। डेटर्स की एड्रेस लेने की जरूरत है, उनको हमें ढूंढना। इफ एनी प्रॉपर्टी इज नॉट इन कस्टडी और पोजेशन ऑफ कंपनी, नेम एंड प्लेस ऑफ पर्सन इन हूज कस्टडी इज दिस, कैसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी कंपनी की कस्टडी में या कंपनी के नाम पे ना हो? कहां पड़ा था ये कंसेप्ट? लीज के केस में बड़ी सिंपल एग्जांपल है, पास इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम, याद है वो कंसेप्ट था, तो उसकी एग्जांपल्स भी याद होंगी आपको। वो कौन से 3 केसेस थे जिनमें इन्वेस्टमेंट कंपनी की है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं होगी? नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी मेंबर और CDC। अच्छा ये की वर्ड है एग्जाम में, ये नहीं लिखने एग्जाम में, पूरी लाइन सेंटेंस लिखने हैं। फिर कह रहा है प्लेसेस वेयर कंपनी कंडक्टेड इट्स बिजनेस इन लास्ट 180 डेज फ्रॉम रेलिवेंट डेट, रेलिवेंट डेट वो जो ऊपर बता दिया, एंड नेम ऑफ इंचार्ज, ये उस कंपनी के लिए जिनकी ब्रांचेज है, कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां ब्रांच है जिस जगह भी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जिस जगह भी, वो बता दे ताकि वहां के भी एसेट्स को बेचा जाए। नेक्स्ट डिटेल ऑफ पेंडिंग सूट्स इन विच कंपनीज है पार्टी, लीगल केसेस, पेंडिंग सूट्स का मतलब लीगल केसेस,
कंपनी के खिलाफ, ताकि पता चल जाए कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, कंटिजेंट लाइबिलिटी में एग्जाम्पल बताई थी ना, कंटिजेंट या प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी का लफ्ज आया कहां था, क्रेडिटर में, शाबाश। इफ एनी अदर पर्टिकुलर विच प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल इक्विटर कोर्ट में रिक्वायर इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीक्रेट रिजर्व और पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑफिशियल इक्विटर वगैरह सीक्रेट रिजर्व, तो अजीब से पता नहीं उसने कह दिया सीक्रेट रिजर्व, ये नहीं होता। हाँ, ये अकाउंटिंग में तो मना करते हैं ना सर, सीक्रेट कुछ सब कुछ ऑन बुक्स होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन ये जो पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये अजीब बात है कि डायरेक्टर्स की जाती प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछ सकते हैं। कंपनी से किसी गलत तरीके से अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करवाई हो, या ये ना कंपनी की गाड़ियां हैं और अपने अपने इस्तेमाल में पर्सनल यूज कर रहे हैं, सभी तो हो सकता है। कंपनी की गाड़ी डायरेक्टर के गैराज में खड़ी है, वो लिक्विडेटर को बताया नहीं। हाँ जी, अच्छा अब ये आपको पता चल गया इन्फॉर्मेशन क्या क्या आएगी। अब आगे स्टेटमेंट फ्रॉम अदर ऑफिशियल्स, वो कह रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी या सीएफओ, इसे इन्फॉर्मेशन तो लेंगे ही, क्या किसी पास एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? अच्छा, पास एम्प्लॉय से क्यों? क्योंकि उसे कंपनी के मामला के बारे में पता होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट हो अदर ऑफिशियल, अदर के साथ अगर आप लिख लेना पास ब्रैकेट में, तो आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर समझ आएगा। पक्का नहीं लिखना, कच्चा कच्चा लिखना है पास्ट, कि याद आ जाए इसमें कंसेप्ट क्या था। एग्जाम में नहीं लिखना पास्ट, स्टेटमेंट फ्रॉम अदर, भाई स्टेटमेंट पिछले कंसेप्ट में से क्या बताया, स्टेटमेंट किसे लेनी है, सीईओ सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स। अब क्या बता रहा है, इनके अलावा भी किसी बंदे से स्टेटमेंट ली जा सकती है, आपका क्या ख्याल है, ली जानी चाहिए? हाँ, क्योंकि अब कंपनी के आखिरी मामलात हैं, जो जो है, जब कोई बंदा भी मरने लगता है तो जो अरसा दरा पुराने पुराने सारी जिंदगी नहीं मिले होते, वो भी बाजू का आ जाते हैं, शायद हमारा भी कोई हिस्सा बन जाए। तो इसीलिए कह रहा है कंपनी मरने वाली है, पुराने पुराने एम्प्लॉयज से भी इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने एम्प्लॉयज नहीं, बहुत ज्यादा पुराने एम्प्लॉयज नहीं। कह रहा है प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लीडर सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट से इजाजत लेके, सब्जेक्ट टू डायरेक्शन कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट से इजाजत लेके, मे आल्सो रिक्वायर फॉलोइंग पर्सन टू सबमिट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेयर्स ऑफ कम, वो इन लोगों से भी कह सकते हैं। अब ये कौन लोग है, पढ़ते ये है, हु हैव बीन, हु आर नहीं, हु हैव बीन डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर विद इन वन ईयर बिफोर एलिमेंटेड, यानी जो पिछले एक साल में कंपनी के ये यही रहे डायरेक्टर सीईओ सीएफओ, उससे उनसे भी उन्हें भी कहा जाता है स्टेटमेंट। वो कहेंगे भाईजान हमने तो जहाज डूबने लगा था ना, उसी वक्त छलांग लगा के दूसरे जहाज में बैठ गए थे, अब हम इस दूसरी कंपनी में अपना स्कून से काम कर रहे हैं, हमें आप क्यों बुला रहे हैं कि इस कंपनी के, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो इसको छोड़ चुके हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर कहेगा बेफिक्र हैं आप, जितना टाइम इधर देंगे ना रीजनेबल एक्सपेंस मिलेगा, रीजनेबल एक्सपेंस मिलेगा तो हम हाजिर हैं, जान भी हाजिर है। हु हैव टेकन पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद इन सेड ईयर, जो कंपनी के, अगर कंपनी एक साल के, ये अजीब पार्ट अजीब पॉइंट है कि हाँ कि एक साल के अंदर ही कंपनी माइंड अप हो गई, इससे तो ये मैसेज मिल रहा है शायद कि फॉर्मेशन में, बहरहाल जो भी, या हु वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी विद इन द सेड ईयर, ये दोनों ऊपर और तीसरा दोनों अच्छे पॉइंट है। ये कह रहा है टॉप लेवल के लोगों से जो पास्ट एम्प्लॉयज है, और ये क्या कह रहा है, लोअर एम्प्लॉयमेंट है, यानी इन शॉर्ट इस पूरे कंसर्न में क्या समझा रहा है कि करंट मैनेजमेंट के अलावा पास्ट मैनेजमेंट से भी कोर्ट से इजाजत लेके इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं आएंगे। हाँ वैसा, इसीलिए कोर्ट ने अग्री बात की कि प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल पे रीजनेबल एक्सपेंसेस टू पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको रीजनेबल रिम्यूनरेशन दी जानी भी चाहिए। 100-200 से कम है, 250 तो देना सबको, अदर्स को भी और करंट को भी, क्योंकि करंट वाले मैनेजमेंट जो है ना, ये भी असल में मैनेजमेंट नहीं रही, अब ये भी घर चले जाएगा, ठीक है, कहेंगे सर पहले तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, मीटिंग होती थी, हमें हर मीटिंग के पैसे मिलते थे, वो मसला साबित करें ना, उनके मसले की वजह से लिक्विडेशन तक बात पहुंची है, तो वो कहेंगे नहीं सर हालात ऐसे थे, कभी कोई स्टूडेंट आपने देखा, कभी इतनी जिंदगी आपने गुजारी जिसने ये कहा हो कि हाँ मैं अपनी गलती की वजह से फेल हुआ, कौन था, मैंने बार बार चले, हाँ हो सकता हो, तो उसी तरह डायरेक्टर्स ने चाहे मिलके कंपनी को डुबाया, ये कभी नहीं मानेंगे कि हमने कंपनी को डुबाया है।
एसेट सीज क्यों नहीं कर देती? सीज जब अपना बंदा बिठा दिया, सीज करने की क्या जरूरत है? भाई फर्ज कीजिए कोई सियासतदान सही काम नहीं कर रहा, किसी उसको किसी डिपार्टमेंट वजीर रेलवे लगाया फॉर एग्जांपल, तो क्या रेलवे का पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए कि उसको हटा के अपना बंदा फिट करना चाहिए? अपना बंदा फिट किया तो मतलब अपने कंट्रोल में आ गया, तो फिर पुराने वाले आ जाएंगे। आपने एक कंसेप्ट में शायद नोट नहीं किया, उसने एक वर्ड यूज किया था आर अदरवाइज, वाइंडिंग अप ऑर्डर आर अदरवाइज, ये जो क्वेश्चन था ना आज का, उस तो जब प्रोसीडिंग कोड में चलती है ना, लाजमी नहीं हमेशा वाइंडिंग अप ऑर्डर ही पास हो। अगर वो कहे नहीं भाई क्राइटेरिया तो गलत भी आने की, तो इसकी सिक्योरिटी भी जब्त करो इसको, दो तीन हाँ भाई का शो क्या बड़ा वैसे बच्चों का तो और कंपनी वापस डायरेक्टर्स को कर दो, डायरेक्टर्स के हवाले वापस कर दो। तो लाजमी नहीं जब कहीं पिटीशन फाइल हो तो 100% केसेस में वाइंडिंग अप ऑर्डर ही पास हो, कभी होगा कभी नहीं होगा। नहीं वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होगा तो कंपनी वापस कर देंगे डायरेक्टर्स को, उनसे कहेंगे सॉरी। आगे राइट टू इंस्पेक्ट एंड गट कॉपी ऑफ स्टेटमेंट, क्या ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसको कोई और इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं। या इसकी कॉपी ले सकता है? ये अच्छा अगर ना होता तो लिखा क्यों होता कंसेप्ट? कॉमन सेंस, उसने कंसेप्ट लिखा तो किसी ना किसी को ज्यादा दे ही रहा होगा ना, ऐसे नहीं करते ना नहीं करते। तो ए क्रेडिटर आर कंट्रीब्यूटरी ऑफ द कंपनी आर देयर एजेंट, कौन क्रेडिटर तो पता है कौन है, कंट्रीब्यूटरी कौन होता है? मेंबर का दूसरा नाम है। वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर से, क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर भाई हमें भी बताओ जरा हमारा नंबर किस जगह पे फिट हुआ है क्रेडिटर में, या हमें बताओ कि लाइबिलिटीज में से एसेट माइनस करें बाकी कितनी अमाउंट बचती है जो हम कंट्रीब्यूटरीज ने कंट्रीब्यूट करनी है इस पर्पस, क्योंकि दोनों रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं। लॉ ने इनको इजाजत क्यों दी है? क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर हैं, क्रेडिटर और मेंबर। इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी, लेकिन अगर कॉपी लेनी है तो आपको पता है फीस लेनी होती है, ये तो हम हर जगह पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेंबर्स ने बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की कॉपी चाहिए तो फोटोकॉपी के पैसे देंगे फिर भी उन्हें नहीं मिलेगी। केस के रेलिवेंट फैक्ट्स में पूरा गौर नहीं किया, मेंबर्स को बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की कॉपी नहीं मिलती तो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कोई बात नहीं, आई कैप का पेपर है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। और अगर कोई पर्सन झूठ मूठ के, इनको बड़ा शौक था सर सारा दिन स्टेटमेंट अफेयर कर रहे थे, आज जिस कंपनी का वाइंडिंग अप हो रही है उधर जाके मैं स्टेटमेंट अफेयर की कॉपी निकलवा लेता हूँ ना, क्या है 200 रुपए ही देना पड़ेगा, और उधर जाके झूठ मूठ कहते हैं कि मैं भी क्रेडिटर हूँ। इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? इफ ए पर्सन अनट्रूथफुली को अंडरलाइन कर ले, स्टेट्स हिमसेल्फ टू बी क्रेडिटर आर कंट्रीब्यूटरी, इट विल बी एन ऑफेंस, एक जुर्म होगा। झूठ तो है ही, जुर्म भी होगा एंड ऑफेंस पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पेनल कोड ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर। प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने अगर पहचान लिया ना बंदा ठीक नहीं है तो फौरन इसको पनिशेबल सजा दी जाएगी, और सजा क्या होगी? लेवल टू। और ये पेनल्टी ना सबके लिए, यानी अगर डायरेक्टर ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ना दी उनके लिए भी पेनल्टी है, ये जितनी भी प्रोविजंस पड़ी हैं, झूठ मूठ बंदा आ गया उसकी भी पेनल्टी है, कॉपी ना इंस्पेक्ट करने तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी पेनल्टी है। ये नहीं उसने बताया, सारी प्रोविजन कर लो क्योंकि पूछेगा ही नहीं। हाँ रफीक तारर साहब थे, शाबाश, बिल्कुल रफीक तारर साहब थे, हाँ सही पहचान है। पेनल्टी सबके साथ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में किसी भी पार्टी ने कोई भी इस रिक्वायरमेंट की वायलेशन की, सबको पेनल्टी एट द रेट ऑफ लेवल 2 होगी, चाहे वो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर क्यों ना हो। फिर भी हमें लॉ ज्यादा प्यारा है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर? लॉ ज्यादा तो लॉ को नहीं छोड़ना, हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर को छोड़ देंगे। लिए कुछ कुछ समझ आई? अच्छा आज घर जाके आपने ये तो करना ही है, पढ़ना ही है, कंसेप्ट याद करना है, असाइनमेंट भी करनी है, शाबाश। और क्या करना है? रिपोर्ट बाय ऑफिशियल, और फर्क तलाश करें। आपने कल मुझे ये बताना है कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, कौन सी चीज इधर है उधर नहीं और उधर है इधर नहीं, बताएंगे। चलिए जी आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।